नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। देश की हर ताज़ा खबर के लिए भी लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव जीता है, तभी से ही हिंसा का दौर जारी है। पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतने के साथ ही पश्चिम बंगाल में जबरदस्त हिंसा हुई। लगभग 20 से 25 के बीच में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई और सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता आसाम की ओर भाग गए। इस घटना के बाद देश के हर क्षेत्र में ममता बनर्जी की आलोचना हो रही है। लगातार उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वह इस्तीफा दे दी, तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार ऊपर भी लोग और ज्यादा दबाव बना रहे हैं कि जल्द पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। ऐसे में दो चीजें निकलकर सामने आती हैं कि या तो ममता बनर्जी इस्तीफा देगी या फिर पश्चिम बंगाल में लगाया जाएगा राष्ट्रपति शासन। तो आइए जानते हैं विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, ममता बनर्जी सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय के बीच फिर खींच सकती है हिंसा को लेकर तलवारें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, गृह मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कानून व्यवस्था को लेकर कोई रिपोर्ट जब 72 घंटे के बीतने के बाद भी मंत्रालय को नहीं मिली तो मंत्रालय इस पर बेहद गंभीर हो गया, यानी आने वाले दिनों में बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। आपको बता दें, बंगाल की नवगठित सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय के बीच एक बार फिर तलवारें खींच सकती है, क्योंकि बंगाल में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे अति गंभीर मानते हुए जहां अपनी 4 सदस्यीय टीम पश्चिम बंगाल के जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए भेज दी है, वहीं दूसरी तरफ मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से कानून व्यवस्था पर रिपोर्ट तलब की है। गृह मंत्रालय की 4 सदस्यीय टीम वापस लौटकर अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को देगी, जिसके आधार पर मंत्रालय कुछ कड़े फैसले ले सकता है। गृह मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कानून व्यवस्था को लेकर कोई रिपोर्ट जब 72 घंटे के बीतने के बाद भी मंत्रालय को नहीं मिली तो मंत्रालय इस पर बेहद गंभीर हो गया। प्रतिदिन पश्चिम बंगाल से ऐसी खबरें आ रही है कि वहां पर इरादतन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, और खुद केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री ने भी ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है कि उनकी गाड़ी पर हमला किया गया। मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक अतिरिक्त सचिव के निर्देशन में 4 सदस्यीय टीम पश्चिम बंगाल भेज दी गई है। इस टीम ने बंगाल में पहुंचकर अपना काम भी शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक 4 सदस्यीय ये टीम पश्चिम बंगाल के विभिन्न इलाकों में जाकर वास्तविक स्थिति का आकलन करेगी। जो जगह सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं वहां से ये जानने की भी कोशिश करेगी कि आखिर ऐसे हालात क्यों पैदा हो गए। टीम इस बात का भी जायजा लेगी कि स्थानीय प्रशासन ने इस हिंसा को रोकने के लिए तत्काल कड़े कदम उठाए थे या नहीं। यह स्थानीय प्रशासन घटनाओं पर मूक दर्शक की भूमिका निभा रहा था। पश्चिम बंगाल हिंसा नहीं चाहता, ममता बनर्जी। जी हाँ, इस बीच ममता बनर्जी का वही पुराना राग। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल हिंसा नहीं चाहता पर ममता बनर्जी का बड़ा बयान आया है, वही पुराना गीत ममता ने। यहाँ मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक अतिरिक्त सचिव के नेतृत्व में गई टीम वापस लौटकर अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर मंत्रालय कुछ कड़े निर्णय भी ले सकता है। वहीं दूसरी तरफ मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में हिंसा पर तत्काल रोक लगाने के उद्देश्य से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से कानून व्यवस्था पर भी एक रिपोर्ट तलब की है। यह रिपोर्ट शुक्रवार तक भेजने के लिए कहा गया है। ध्यान रहे, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 3 मई को पश्चिम बंगाल प्रशासन को पत्र भेजकर चुनाव परिणाम आने के फौरन बाद फैली हिंसा पर रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन पश्चिम बंगाल प्रशासन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। इसके बाद केंद्रीय गृह सचिव ने 5 तारीख की शाम पत्र लिखकर पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से रिपोर्ट की तलब की थी। मंत्रालय द्वारा भेजे गए पत्र में स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि पश्चिम बंगाल सरकार रिपोर्ट नहीं भेजती है तो मंत्रालय इसे बेहद गंभीरता से देखेगा। मंत्रालय की पूरी कोशिश है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम आने के बाद से बढ़ रही हिंसा पर तत्काल रोक लग जाए और जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ प्रशासन कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई करे। इस बीच भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेता भी पश्चिम बंगाल पहुंच चुके हैं। भाजपा का आरोप है कि चुनाव के बाद उसके लोगों को निशाना बनाकर उनके साथ हिंसा की जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पर केंद्र सरकार आगे क्या एक्शन लेती है। लाल बटन दबाएं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।